अच्छा, विकास ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से बात करना चालू किया जो कहाँ है अभी, कश्मीर में, ठीक है, IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो लड़की बर्फ में खेलते हुए इसे फोन का ठंडा कर रही, ठीक है। सो भाई, क्या विकास उस लड़की से बात कर सकता है? अधिकार है, जो बात करना चाहे कर सकता, जैसी बात करना चाहे कर सकता। बिल्कुल सर, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। कहानी की शुरुआत करते हैं। आप सीख रहे हैं आर्टिकल 19-1 सिर्फ किन के लिए है? सिटीजन के लिए। सो 19-1 इज फॉर सिटीजन। अच्छा, आप 19-1 में अपना विकास किया, विकास भी देश का सिटीजन है। तो भाई, अपने विकास ने कश्मीर में एक सुंदर खूबसूरत लड़की से बात करना चालू किया। कौन सी लड़की से? खूबसूरत, हद से ज्यादा खूबसूरत। फोटो देखा भैया, लड़की का नाम है एंजल, ठीक है। प्यार मोहब्बत में गजब चल रही बात, सही बात है। अच्छा, क्या विकास के पास, हाँ प्रिया भी लगा दो, क्या विकास के पास उस लड़की से बात करने का पूर्ण 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 अधिकार है? यस, तो ये बन गई आपकी पहली फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम दी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विकास उसे रात में कुछ नहीं, विकास उसे स्पीच ही कर रहा था, बहुत सारी बढ़िया बातें कर रहा था, अपने दिल की बातें उसे बता रहा था, दिन ब दिन प्यार में डूबे जा रहा था। और लड़की ने बोला, आओ ना कश्मीर, आओ ना मिलने, घूमने, बातें करेंगे, बर्फ में हाथ पकड़ कर चलेंगे यहां वहां, यहां तक की बात ही। अच्छा, मुझे एक बात बताना, विकास को जाना था। विकास ने कहा, जाने से पहले एक बार सारे टीचर्स को बुला लेता हूं और एक बार बता देता हूं कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं कुछ काम से। बहुत काम हो सकता है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा अच्छे से मैं वापस आ जाऊंगा। तो क्या विकास के पास ये राइट है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? तो उस सबने हम सारे टीचर्स को बुला लिया, हम सब आए, हम सब मिले, प्यार मोहब्बत से बात करी। उसने बताया कि भाई कुछ अर्जेंट काम है कश्मीर में, कुछ काम निपटा के आता हूं। सो क्या विकास के पास सेकंड राइट था टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स? अच्छा, एक सेकंड, वापस से, लड़की का नाम क्या था? एंजल। तो भैया विकास ने फोन किया, बोला हाँ जी एंजल, आ रहा हूं मैं। एक सेकंड, विकास के पास कौन सा राइट था? सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड चीज, उसके बाद उसने हम सारे टीचर्स को बुला लिया बात करने के लिए। दिस वॉज असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आर्म्स, ये वाले आर्म्स नहीं, ये वाले आर्म्स बोल रहे हैं बंदूकों के अलावा, ठीक है। सो वी कैन असेंबल पीसफुली, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ना, अब बंदे ने टिकट करवा दी, कहां जा रहे हैं? कश्मीर। सो डज ही हैज द राइट टू मूव अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया? यस, तो भैया बंदे ने टिकट करवा दी है, ही इज मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब लौंडा वहां पे भाई पहुंच गया एकदम टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और वहां उतरा, सामने खड़ा था दीपक लाल। पपी गिव मी पपी। सिस्टम पार देंगे। विकास ने कहा, ये क्या हुआ मेरे साथ? कहता, मैं ही हूं एंजल, इवन आई हैव द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकॉज सिटीजन। अच्छा, विकास का दिल टूट गया। विकास ने कहा, भाई अब कुछ भी हो जाए मैं पुणे वापस नहीं जाऊंगा, मैं इनसे नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम पूछेंगे भाभी कहां है, भाभी नहीं है तो जीजा आगे साथ में। So, हम तो भाई कुछ बोल लगाते। तो विकास ने कहा, भाई मैं ये मुंह नहीं दिखा सकता किसी को, और मैं अब यहीं रह जाता हूं, अब मैं कश्मीर में ही बस जाऊंगा। क्या विकास के पास ये राइट है टू रिसाइड एनी वेयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो ये बन गया आपका चौथा, रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी तक की कहानी के चार मुख्य भाग जो आपके चार राइट्स की तरह थे, पहले एंजल से बात करी, फर्स्ट राइट कौन सा था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोगों को बुलाया, बात करी, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तीसरा मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहां निकला दीपक कलाल, चौथा रिसाइड पीसफुली, अब वो उसी के साथ ही रह रहा है, तो बहुत बढ़िया, चौथा था तो रिसाइड। अच्छा, एक सेकंड, अब भाई लौंडा वहां रह रहा है पर कश्मीर में कुछ काम भी करना पड़ेगा, भाई ऐसे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो भाई उसने खोला विकास गोला सेंटर, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं, अबे घटिया चीप लोगों, बर्फ का गोला, ठीक है। तो कश्मीर में बर्फ की बहुत ही अबैंडेंस थी, तो उसने विकास गोला सेंटर खोला, हमने यहां से उसको रोबजा के 5-6 बॉटल्स भेज दिए, बढ़िया रोज एकदम गोला बना के बेच रहा था, मस्त कमा रहा था। क्या विकास हैज द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस, एनी ऑक्यूपेशन? सो बन गया ये फिफ्थ, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और वहां जाकर उसने रियलाइज किया कि उसके साथ जो हुआ उसे कहते हैं कटेना। क्या कहते हैं उसे? कटेना। तो उसने वहां जाकर भैया बोल दिया कि अब एक वक्त आ गया है कि मैं एक एसोसिएशन फॉर्म करता हूं, लौंडा बचाओ एसोसिएशन। समझ में? उसने अपना एक गिरोह बनाया है जहां पर वो ऐसे लोगों के साथ ऐसे भयानक हादसे होने से रुक सकता है। आपने वो औरत देखी होगी, कौन है ये? सचिन, लप्पू सा है ये सचिन। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है वो, अपना विकास ही है वहां पर साड़ी में। सो बहुत ही बढ़िया। And that was the last, that is form association. So can I put these six rights with Vikas's story? So Vikas, ladki se bola, pehla right?
स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलने जा रहे हैं, हम सबको बुला लिया, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जा रहा है मूव डायरेक्टली, बहुत ही बढ़िया, चौथा बहुत ही बढ़िया, वहां दीपक लाल निकला तेरे साइड, फिफ्थ बहुत ही बढ़िया, वहां रहेगा तो कुछ कमाएगा, सो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एंड लास्ट फॉर्म एसोसिएशन, कौन सी एसोसिएशन थी, लौंडा बचाओ एसोसिएशन, कूल, आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टूड दैट आर्टिकल 19 कैसे चलता, सो दैट्स हाउ 19 वर्क, 19 1 रियली वर्क्स, तो छह राइट याद रहेंगे जीवन भर, चले बहुत ही बढ़िया।